Assalamualaikum, welcome to my channel, welcome to an other new video. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर रशील के वाइटनिंग फेड प्रोडक्ट का रिव्यू. ये मैं कई दिनों से यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर कर दिया जाए, ताकि आप में से जो लोग इसे यूज़ करना चाह रहे हों उन्हें आइडिया हो जाए कि ये यूज़ करना चाहिए या नहीं. ये मैंने दराज से बाय किया था, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको बाय कर सकते हैं. दराज से भी आपको इसके ओरिजिनल प्रोडक्ट ही रिसीव होंगे, पैकेजिंग आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके वाइटनिंग फेड क्लींजर की, ये किस तरह से वर्क करता है और ये क्या क्लेम करता है. तो देखते हैं इसका जो आप टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर है, वाइट कलर में थोड़ा सा शाइनी सा टेक्सचर है. ये क्लेम करता है कि यह आपकी स्किन टोन को इवन करता है, कोई दाग धब्बे हैं काले स्याह दाग से हैं उनको रिमूव करता है. और इसके क्रीमी टेक्सचर जो है ये आपके पास एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ किया जा सकता है. आपकी स्किन से ये डर्ट को रिमूव करता है और एक हेल्दी स्किन प्रमोट करता है और डिस्कलरेशन को भी ये फेड अप करता है. दिन में 2 दफ़ा आपने इसकी क्लिनजिंग करनी है अच्छे रिजल्ट के लिए. सेकेंड इनका प्रोडक्ट आ जाता है वाइटनिंग फेड स्पॉट सीरम. ये सीरम वाटरी सा सीरम है, वाइट कलर का सीरम है, ये ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है. आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन में कोई चिपचिपासा इफेक्ट नहीं देता, बिल्कुल नॉर्मली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है. और ये क्लेम क्या करता है कि ये आपके पिगमेंटेशन यानी आपकी छाइयों को रिमूव करता है, आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को स्मूथर बनाता है और वाइटनिंग स्किन में हेल्प आउट करता है. लेकिन इसको आपने सब्र और तहम्मुल से इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं है कि आप इसको लगाएंगे 1-2 दिन में आपको इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा. नहीं, आपको इसको एटलीस्ट 2 हफ्ते तक आपने लगाना है कॉन्टीन्यूसली और फिर आपने इसके रिजल्ट्स देखने हैं. इंस्टेंट रिजल्ट्स ये आपको नहीं देगा. थर्ड इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है फेड स्पॉट्स नाइट क्रीम का है. इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें मेकअप टाइप लुक नहीं आती. इसको लगाने के बाद ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई कलर नहीं छोड़ता है और आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं बनाता है. और ये आप पूरी रात ओवरनाइट जो है लगाकर आप इसको सो जाएं और सुबह उठकर वाटर के साथ क्लींस कर दें. ये आपको क्लेम क्या करता है कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को नरिशिंग करता है, रिपेयर करता है और सॉफ्टन बनाता है. सेम इसके लिए भी वही बात, सब्र, पेशेंस, तहम्मुल के साथ आपने इसे लगाना है. डिसअपॉइंट 3-4 दिनों में ही नहीं हो जाना, इसका रिजल्ट आपको टाइम टू टाइम नज़र आएगा. फोर्थ इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वाइटनिंग डे क्रीम है. इसका टेक्सचर थोड़ा सा जो है मेकअप टाइप है, मतलब आप इसे जब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी वाइटिश सी लुक आपको इसकी फील होगी, क्योंकि इसमें आपके पास सन ब्लॉक टाइप ही आपके पास काम करता है. आपको ये सन से जो है वो प्रोटेक्शन देता है 24 और आपको मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, आपकी पिगमेंटेशन छाइयों को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो देता है. तो और आपकी इवन स्किन टोन में हेल्प आउट करता है, क्योंकि ये हमारे पास एज अ सन ब्लॉक भी यूज़ हो रहा है. ये अब आप लोगों के सामने है कि इसमें आप मेरी स्किन देख सकते हैं कि इसमें एक वाइटिश सा लुक आता है, जैसे हम मेकअप अप्लाई करते हैं और हमारी स्किन में थोड़ा सा हमें मेकअप सा फील होता है. तो इसमें आप लोगों के पास ये टेक्स्चर आएगा. तो इन तमाम प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. अब जो लोग इसे यूज़ करना चाह रहे हैं वो बिला झिझक इसे यूज़ कर सकते हैं. प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन है रिजल्ट्स के हवाले से, तो सब्र के साथ आपने इसको यूज़ करना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.